धनवार के बरजो पंचायत के निवर्तमान मुखिया सब प्रधान मोहम्मद शफदर अली के द्वारा हिंदू मुस्लिम समुदाय के बीच तनाव उत्पन्न कराने को लेकर राष्ट्रीय यादव सेना गेरेडे जिलाध्यक्ष धर्मेंद्र यादव के नेतृत्व में धनवार थाना में आवेदन देकर कार्रवाई करने की मांग की गई है। इस बाबत जिलाध्यक्ष ने कहा कि शफदर अली ने जिस तरह यादवों को गाली दिया है वो बर्दाश्त करने योग्य नहीं है, जरूरत पड़ी तो धनवार का चक्का जाम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिला पुलिस अधीक्षक और SDPO खोरी महुआ ने आश्वासन दिया है कि दोषी के ऊपर अविलंब कार्रवाई होगी। समाज के लोग धैर्य बनाए रखें, प्रशासनिक कार्रवाई का इंतजार करें। मौके पर राष्ट्रीय यादव सेना के जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र यादव, युवा जिला उपाध्यक्ष विकास कुमार यादव, जिला महामंत्री दीपक यादव, जिला सचिव इंद्रदेव यादव, मीडिया प्रभारी विकास यादव, अभिषेक कुमार यादव, प्रखंड अध्यक्ष संतोष यादव, जिला कार्य समिति सदस्य अमित यादव, तीसरी से छोटी यादव, नरेश यादव, सतीश कुमार यादव, उमेश कुमार यादव, रुपेश यादव, रामजी यादव, शिव कुमार यादव, सुरेश यादव सहित दर्जनों पदाधिकारी मौजूद थे। धनवार प्रखंड के बरजो के निवर्तमान मुखिया सह प्रधान मोहम्मद सफदर अली के द्वारा जो कुकृत किया गया है, जो बयान दिया गया है, जिससे जातीय हिंसा और उन्माद, यहाँ तक कि हिंदू मुस्लिम दंगा, अराजकता फैलने की संपूर्ण संभावना धनवार सहित पूरे गिरिडीह में है, इसकी राष्ट्रीय यादव सेना कड़ी निंदा करती है। और हम लोगों ने इसे संज्ञान में लेकर के आज धनवार थाना में एक मुकदमा दर्ज कराया है और हम सबों की बात SP साहब से, SDPO साहब से भी हुई है। यदि 24 घंटे के अंदर मोहम्मद सफदर अली की गिरफ्तारी नहीं होती है तो हम लोग उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। प्रखंड के बरजो पंचायत के अंतर्गत वर्तमान मुखिया सफदर अली ने जो ज़्यादा समाज को कलंकित करने का काम किया है वह बिल्कुल ही गलत है। राष्ट्रीय यादव सेना इसकी घोर निंदा करती है और अविलंब उनका गिरफ्तारी हो, अन्यथा राष्ट्रीय यादव सेना आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी। इन्होंने जो है भड़काऊ भाषण जो दिया है उसकी जितने भी निंदा किया जाए वह कम है। इनके शब्दों से हिंदू मुस्लिम में अराजकता फैल सकती है, इसकी जितना भी निंदा किया जाए वह कम है।